हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोंचे का एक नया डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम पोंचे की चौड़ाई देखेंगे। तो पोंचे की चौड़ाई 3 इंच है, इसके मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली और इसकी लंबाई है वो 13 इंच है। तो हमारा जो पोंचा है वो लगभग तैयार है। तो अब हमें इस पर डिज़ाइन ड्रॉ करना है। तो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको डिज़ाइन अच्छे से दिख सके। तो सबसे पहले हमें नीचे की तरफ एक कॉर्नर से इस तरीके से पत्तियाँ बनानी हैं। पूरी दूर इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए, हमने नीचे की पत्तियाँ तैयार कर ली हैं। अब हमारा जो ऊपर का डिज़ाइन है वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये मैंने अपने हिसाब से ही लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बाकी मैं आपको इसे इंच टेप के हिसाब से दिखा दूँगी कि ये कितना है। तो अब देखिए, इस तरीके से एक हाफ फ्लावर ड्रॉ करना है, उसके साइड में ऐसे लगा कर देंगे। अब देखिए, इसकी लंबाई है वो 3 इंच से थोड़ी कम है। यहाँ से मैं 1/2 इंच का गैप रख के उतना ही रखना है। और बीच का जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसका गैप भी आपको मैंने इसमें दिखाई दिया है। तो आप उसके हिसाब से आगे के फ्लावर भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, इसी तरीके से हमने सभी को तैयार कर लिया। अब हम इस पर सिलाई देंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ की नई नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, तो आप हमें कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए। आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाएगा। जो हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आपको अगर कुछ भी नया डिज़ाइन चाहिए हो तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कमेंट आते रहते हैं कि कुछ नया लेके आओ, कुछ यूनिक लेके आओ। तो आप जो चाहते हो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम वैसी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, नीचे का जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम ऊपर का जो फ्लावर है उसे हम तैयार करेंगे। तो जैसे हमने इस पे निशान लगाए थे उसके ऊपर ऊपर हमें सिलाई देनी है। और कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आंटी वेरी नाइस, आंटी ये बताओ, तो मेरी एज सिर्फ 20 है, तो प्लीज़ मुझे आंटी मत बोलिए, मैम या दीदी कुछ भी चलेगा, बट प्लीज़ आंटी मत बोलिए। और आपको जो भी चाहिए आप उसे कमेंट में कर सकते हैं। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं वंडरफुल, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा मुझे और मैं आपके लिए नए नए डिज़ाइन लेके आते रहूँगी। तो देखिए, हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बीच में हमें ये जो निशान लगाए हैं वहाँ पर सिलाई देनी है। तो देखिए, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है लगभग। अब इसी तरीके से हमें आगे के भी डिज़ाइन सभी को सिलाई लगा लेनी है सभी पे। तो देखिए, हमारा जो पोंचा है वो बनके तैयार हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा है। तो आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा बना।